गुड मॉर्निंग 10th क्लास, वेलकम टू योर ओन चैनल नवनीत अकेडमी। सो आज हम अपना न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर थ्री मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, आप सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या हैं। आपको पता है किसी भी एलिमेंट को 9th क्लास में आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है कि एलिमेंट्स को हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, मेटल्स में, नॉन मेटल्स में एंड मेटलॉइड्स में। मेटलॉइड्स के लिए कहते हैं जो दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी जो समटाइम्स मेटल की प्रॉपर्टी शो करते हैं एंड समटाइम्स नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो करते हैं, है ना। आप मेटल्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं आप अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, लाइक आपकी एलुमिनियम की या फिर यूटेंसिल्स जो होते हैं आपके बर्तन कॉपर के, ये सारे किससे हैं, ये मेटल्स हैं क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। वहीं आपके आयरन के अलमीरा, आपके घरों के जो दरवाजे होते हैं, डोर्स इवन आयरन के बने होते हैं, योर ज्वेलरी मेटल की बनी होती है ना। वहीं पर ही नॉन मेटल्स, आपके आयोडीन एक नॉन मेटल है जिसका यूज़ किसके अंदर होता है, एंटीसेप्टिक क्रीम्स बनाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। आपका वहीं पर ही ऑक्सीजन जो सबसे मेन नॉन मेटल है, आपके रेस्पिरेशन के लिए आपको बहुत नेसेसरी होता है। इफ़ आप ऑक्सीजन अपना इनटेक नहीं करोगे तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो। सेम एज़ योर क्लोरीन, क्लोरीन वाटर को डिसइंफेक्ट करने में यूज़ किया जाता है ना। नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है जिसका यूज़ किया जाता है फर्टिलाइजर्स वगैरह में। तो ये कुछ नॉन मेटल्स एंड मेटल्स हैं जो हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप बिना नॉन मेटल्स एंड मेटल्स के नहीं सर्वाइव कर सकते हो, सोच नहीं सकते हो अपनी लाइफ। ओके, सो अभी हम सबसे पहले इन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, जो आपको देखते हो जब आप किसी मेटल या नॉन मेटल को, तो उसके अपीयरेंस से ही आपको पता चल जाता है कि ये मेटल है या नॉन मेटल है। लेट अस चेक। सो हियर वी हैव टू कॉलम्स, वन फॉर मेटल्स, अनदर फॉर नॉन मेटल्स। ओके, सो द फर्स्ट इज मेटल्स आर डक्टाइल एंड नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। बेसिकली डक्टाइल इज दे कैन बी ड्रॉन इन टू वायर्स, यानी वायर्स में हम उनको बदल सकते हैं, लाइक आपके कॉपर की वायर हो गई, आपकी जो ज्वेलरी की वायरिंग होती है लाइक गोल्ड की बनती है, सिल्वर की बनती है, ये सब। जबकि आप नॉन मेटल्स को वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, अगर आप उन पर हैमरिंग करोगे तो ब्रेक हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज योर मेटल्स आर मेलिएबल एंड नॉन मेटल्स आर सेम नॉन मेलिएबल। मेलिएबल इज कन्वर्टेड इन टू थिन शीट्स, आप थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, लाइक एलुमिनियम फॉइल होता है, सिल्वर फॉइल जो आपका वर्क होता है, जो आपकी स्वीट्स वगैरह पे यूज़ होता है, एलुमिनियम फॉइल जो हमारे घरों में एस फॉइल पेपर जिसे हम जानते हैं वो यूज़ होता है। सो ईजिली आप मेटल्स को कन्वर्ट कर सकते हो शीट्स में, बट नॉन मेटल्स को नहीं, सेम ब्रोकन हो जाते हैं। ओके, देन द थर्ड कंपेरिजन वी हैव इज जो आपके मेटल्स होते हैं वो शाइनी होते हैं एंड दे आर हार्ड, है ना। वेयर एज नॉन मेटल जो होते हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, दे आर सॉफ्ट और दे आर बेसिकली नॉन ग्लस्टर। शाइनी इज उनमें लस्टर होती है, शाइन होती है एक, जबकि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉन लस्टरस होते हैं, उनमें शाइन नहीं होती, डल होते हैं बहुत ज़्यादा। वुड शाइनी होती है? नहीं ना, ऐसे कोल आपका कोयला यानी शाइनी नहीं होता है, ये नॉन लस्टरस होते हैं। नेक्स्ट वी हैव योर, वेट अ सेकेंड, मैं टेबल वापस बना देती हूँ। यस, नेक्स्ट आपका आता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर्स, और वहीं पर ही ये बैड कंडक्टर्स कह सकते हो आप इनको, या फिर इंसुलेटर्स कह सकते हो, क्योंकि ये अपने अंदर से ना इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन होने देते हैं ना हीट को पास ऑन होने देते हैं। इसीलिए हमारी जो वायरिंग की जाती है वो मेटल से की जाती है। एंड अनदर थिंग इज कि आपकी जो यूटेंसिल्स बनते हैं वो भी मेटल्स के बनाए जाते हैं। ओके, गेट इट। नेक्स्ट इज योर सोनोरस, सोनोरस। अच्छा, अभी सोनोरस क्या है, आपने देखा होगा कि जो
टेंपल की बेल्स वगैरह होती हैं वो मेटल की बनी होती हैं, जब आप किसी भी मेटल पे टन टन करते हो तो साउंड प्रोड्यूस होती है, वहीं पर इन नॉन मेटल्स पे उतनी ज़्यादा साउंड नहीं आती। वाई सो? बिकॉज दे आर नॉन सोनोरस, उनमें से आवाज़ नहीं आती है। ओके, गेट इट? तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें देखते साथ पता चल जाती है कि ये मेटल्स हैं और ये नॉन मेटल्स हैं। बट इनके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। लाइक कैसे एक्सेप्शंस? कि अभी हमने पढ़ा दैट जो हमारे मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, वहीं पर ही मर्करी एक ऐसा मेटल है बेटा जो हार्ड नहीं है, जो कि लिक्विड होता है हमारे रूम टेम्परेचर पे, थर्मामीटर्स वगैरह में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सेप्शन इज़ हार्ड होते हैं मेटल बट सोडियम एंड पोटाशियम, ये ऐसे कुछ मेटल्स हैं जिनको आप इजीली कट कर सकते हो, वो भी नाइफ से, यानी इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, बट स्टिल दे आर मेटल्स। क्यों? क्योंकि ये बाकी सारी प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा है जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, सॉरी जो मेटल्स होते हैं ना बेटा, उनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, ईजिली हम उनको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। बट आपका कैल्शियम और गैलियम ऐसे दो नॉन मेटल्स हैं जो क्या करते हैं, इनका बहुत लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, बहुत ईजिली गर्म हो जाते हैं, बहुत ईजिली बॉयल हो जाते हैं। वेयर एज अब हम कुछ नॉन मेटल्स के बारे में भी देख लेते हैं। नॉन मेटल्स जो होते हैं लाइक आयोडीन इज अ नॉन मेटल, बट ये लस्टरस है, ये डल नहीं है, ये इसकी एक एक्सेप्शन है नॉन मेटल की। वहीं पर ही सेकेंड अगर मैं एक्सेप्शन देखूँ तो वी हैव कार्बन। कार्बन जो है, हमने पढ़ा था दैट जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो बहुत कम रिएक्ट करते हैं किसी चीज़ के साथ, वहीं पर ही जो कार्बन होता है ना बेटा, ये बहुत ज़्यादा वर्सटाइल है, बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है, ये अपने साथ ही रिएक्शन करता है, ये दूसरे की तो बहुत दूर की बात है, ये कार्बन कार्बन के साथ ही रिएक्ट करता है। ठीक है, तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं हमारी और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के भी पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, कि जब हम उसे केमिकली बाउंड करते हैं किसी चीज़ के साथ तो कैसे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं। ओके चलो, फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ बच्चे, यस, व्हाट हैपन व्हेन मेटल्स आर बर्नड इन एयर, यानी जब मेटल्स को हम एयर में एक्सपोज करते हैं, एयर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, सो व्हाट विल हैपन बेसिकली। Now you have seen in activity 3.8 that magnesium burns in air with a white flame. Yes, हम लोग ये चीज़ 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। When magnesium ribbon को हम burn करते हैं तो एक white flame produce होती है। Now do all metal react in the same manner? क्या जितने भी सारे metals हैं like magnesium हो गया, copper हो गया, iron हो गया, क्या ये same मैनर में रिएक्ट करते हैं? क्या ये भी एक फ्लेम देते हैं और वाइट कलर की ही देते हैं? चलो लेट अस चेक आउट। सो हियर वी हैव एक्टिविटी 3.9, होल्ड एनी ऑफ द सैम्पल टेकन अबव विद अ पेयर ऑफ टोंग, यानी आप आयरन ले सकते हैं, आप कॉपर ले सकते हैं, कोई भी मेटल ले सकते हैं, एंड ट्राई टू बर्न ओवर अ फ्लेम, उसको फ्लेम पर करके जलाना शुरू कीजिए, रिपीट विद द अदर मेटल सैम्पल, अलग अलग मेटल्स के साथ कीजिए, कलेक्ट द प्रोडक्ट इफ फॉर्म, अगर फॉर्म होता है कोई प्रोडक्ट तो उसको एक चाइना डिश या किसी भी चीज़ में कलेक्ट कर लीजिए। नाउ लेट द प्रोडक्ट एंड द मेटल सर्फेस कूल डाउन, थोड़ी देर के लिए उसे अनडिस्टर्ब छोड़ दो ऐसे ही, ताकि वो कूल हो जाए, उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। नाउ विच मेटल बर्न ईजिली, नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, वट फ्लेम डिड यू ऑब्जर्व व्हेन द मेटल बर्न, कौन कौन सी फ्लेम्स निकली, लाइक आप देखोगे कि कुछ में जो है वो वाइट फ्लेम लाइक मैग्नीशियम हो गया, वहीं पर ही जब आप आयरन वगैरह को बर्न करते हो, कॉपर को बर्न करते हो, तो एक येलो फ्लेम प्रोड्यूस होती है, लाइट येलो। नाउ हाउ डज द मेटल सर्फेस अपीयर आफ्टर बर्निंग, कैसी हो जाएगी, जैसे जंग लग जाता है, बिल्कुल डल हो जाएगी, शाइनी बिल्कुल नहीं रहती उसके बाद, पाउडर्ड फॉर्म में आ जाता है। अरेंज द मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन,
लाइक अगर आपने कौन कौन से मेटल्स लिए, सपोज़ आपको यहाँ पर दे रखे हैं काफ़ी सारे एलुमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक, सोडियम, तो इन सब में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है, सबसे ज़्यादा जल्दी बर्न कौन सा करेगा? सोडियम विच इज़ Na, राइट। उसके बाद कौन सा करेगा नेक्स्ट, ज़रा रिएक्टिव सीरीज को याद करो, कौन सा था उसके बाद? योर एलुमिनियम, देन आयरन, देन मैग्नीशियम, जिंक, फिर ऐसे ऐसे ये लोग रिएक्टिव सीरीज़ के हिसाब से अपना करते जाएंगे। सी यहाँ इक्वेशन दे रखी है, लाइक ऑल मेटल्स व्हेन कंबाइंड विद ऑक्सीजन दे विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स एंड दीज मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ओके, कैसे होते हैं ये? बेसिक होता है। अब जैसे आप लोग मैग्नीशियम का एग्जाम्पल ले लो, सो व्हेन Mg combines with your oxygen which is O2, it will give you MgO, that means magnesium oxide। और यही ये जो हमारे पास magnesium oxide आया as powdered form, चूरा चूरा, इसको मैंने क्या किया, डाल दिया water के साथ, mix कर दिया। So when MgO combines with your H2O, it will give you मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। फाइन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सो जो मैग्नीशियम का हमारे पास एंड प्रोडक्ट आएगा विच इज़ योर मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट इज सॉल्युबल इन योर वाटर, गेट इट? ओके, नेक्स्ट देखो, इन्होंने एग्जाम्पल ले रखा है कॉपर का। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर, इट विल गिव यू कॉपर ऑक्साइड। सिमिलरली व्हेन एल्यूमिनियम, इट विल गिव यू एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सो व्हेनेवर कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, इट विल गिव यू दैट रिस्पेक्टिव मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड देगा वो तुमको। नाउ रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 2, हाउ कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, याद करो। व्हेन कॉपर CuO रिएक्ट विद HCl, देन व्हाट इट फॉर्म्स? कॉपर एंड क्लोरीन कंबाइंस टुगेदर, कॉपर क्लोरीन क्लोराइड, एंड ये दोनों आपस में वाटर की फॉर्मेशन करते हैं, है ना। और हमने ये भी पढ़ा था दैट ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, बट सम मेटल ऑक्साइड सच एज योर एल्यूमिनियम और जिंक ऑक्साइड बोथ शोज एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर, एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करते हैं ये। सो इन मेटल ऑक्साइड्स को जो बोथ बिहेवियर शो करते हैं, एसिडिक भी बेसिक भी, दे आर नोन एज योर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, और साथ में सॉल्ट और वाटर देते हैं। अभी हमने देखा व्हेन कॉपर ऑक्साइड कंबाइंस विद योर HCl, इट विल गिव यू कॉपर क्लोराइड विच इज़ अ सॉल्ट, येस, एंड वाटर H2O, गेट इट? एंड दिस इज अ एम्फोटेरिक ऑक्साइड बिकॉज दिस कॉपर शोज बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक प्रॉपर्टी, दोनों प्रॉपर्टी शो करता है इसीलिए, एज वेल एज हमारा एल्यूमिनियम भी एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है बिकॉज ये भी दोनों प्रॉपर्टी शो करता है। हेयर देखो, यहाँ पर उन्होंने इक्वेशन दे रखी है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड व्हेन कंबाइंस विद योर HCl, इट विल गिव यू एल्यूमिनियम क्लोराइड विच इज़ योर सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। वहीं पर ही व्हेन एल्यूमिनियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ योर बेस बेटा, अब इसमें सोडियम एल्यूमिनेट बनता है प्लस वाटर रिलीज होता है, सेम सॉल्ट प्लस वाटर, गेट इट? और ये क्या है हमारा एम्फोटेरिक है, तो ये दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, बेसिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। नाउ मोस्ट नॉन मेटल्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, नहीं डिजॉल्व होते हैं, बट सम ऑफ दीज डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कलीज, लाइक मैग्नीशियम। अभी हमने देखा, हमने मैग्नीशियम रिबन के जब प्रोडक्ट हमारे पास आया आफ्टर बर्निंग मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसको जब हमने वाटर में मिक्स किया, सो इट विल गिव्स अस व्हाट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो दैट मीन्स वो एक एल्कली है। एल्कली क्या होता है? बेस होता है जो वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन क्रिएट करता है, नथिंग एल्स। सो सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस एल्कलीज, दैट मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सेम एज योर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगली बात समझ में? ओके, नाउ वी हैव ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 3.9 दैट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट द सेम रेट, कुछ विगरसली एकदम से बर्न होंगे,
लाइक एज योर सोडियम, और कुछ बहुत धीरे धीरे, ठीक है, लाइक आपका लेड हो गया, ठीक है. नाउ द डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज टूवर्ड ऑक्सीजन. मेटल्स सच एज पोटाशियम एंड सोडियम रिएक्ट सो विग्रेसली और वो एकदम से कैच फायर कर लेते हैं. सो टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सीडेंटल फायर हमें उन्हें कैरोसिन ऑयल में इमर्स करके रखना होता है. एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सर्फेस ऑफ मेटल सच एज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड एक्सेट्रा आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड. सो द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडाइजेशन. इसीलिए हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से, द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडाइजेशन. और ऑक्सीडाइजेशन, व्हाट इज ऑक्सीडाइजेशन, आप लोग ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, व्हेन मेटल्स और नॉन मेटल्स आर कंबाइंड विद योर व्हाट, ऑक्सीजन, व्हेन दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन. यानी किसी भी केमिकल इक्वेशन में या सब्सटेंस में जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, सो दैट इज़ नोन एज ऑक्सीडाइजेशन. और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कब होगा, जब वो सब्सटेंस रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन के साथ, है ना. सो आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग, बट आयरन फिलिंग बर्न विगरेसली व्हेन स्प्रिंकल इन द फ्लेम. ओके, व्हाई सो, बिकॉज आयरन के ऊपर एक थिक लेयर होती है जो उसको बर्न होने से प्रोटेक्ट करती है. आयरन जो है बेटा, उसका बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है. आप सोचो कि एक माचिस की तिल्ली से आप उसको बर्न कर दो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है. वहीं पर ही अगर हम उसको फ्लेम के नीचे भी रखते हैं तो बहुत टाइम लगाता है वो बर्न होने में. वहीं पर ही अगर मैं मैग्नीशियम को रखूँ या सोडियम को रखूँ या पोटाशियम को रखूँ तो वो विद इन सेकेंड्स बर्न होगा. ओके, कॉपर डज नॉट बर्न, बट हॉट मेटल इज कोटेड विद ब्लैक कलर लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड. होता है कि नहीं? येस. सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन ऑन हाई टेम्परेचर्स. इसीलिए हमारी ज्वेलरी गोल्ड एंड सिल्वर से बनाई जाती है, बिकॉज वो इतना ज़्यादा जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है ना. आपकी स्किन के साथ पे वो रिएक्ट करते हैं. ओके, नाउ मूविंग फर्दर. Now, after performing activity 3.9, you must have observed that sodium is the most reactive of the sample of the metals taken above, जिसमें आपने aluminium लिया था, zinc लिया था, copper लिया था, sodium लिया था, magnesium लिया था, lead लिया था. इसमें से सबसे ज़्यादा reactive तुम्हारा sodium. And the reaction of magnesium is less vigorous, implying that it is not as reactive as sodium. जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया, सोडियम रिबन को बर्न किया, तो सोडियम ने बहुत जल्दी फायर पकड़ी एज़ कम्पेयर टू द मैग्नीशियम. सो इससे क्या पता चलता है कि मैग्नीशियम जो है वो क्या है, थोड़ा सा कम रिएक्टिव है सोडियम से. बट बर्निंग इन ऑक्सीजन डज नॉट हेल्प अस टू डिसाइड अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ जिंक, आयरन, कॉपर एंड लेड. सिर्फ ऑक्सीजन ही डिटरमाइन नहीं करेगा कि वो ज़्यादा रिएक्टिव है या कम रिएक्टिव है.